बठिंडा दे मतीदास दे विचों एक घर दी रसोई दे अंदरों धामण सप्प नूं कीता रेस्क्यू टीम ने काबू। दस दिए कि इन्हां दिनां दे विच सप्पां दा निकलना सुभाविक ही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने दे कारण सप्प खड्डां तों बाहर आ जांदे हन, लेकिन सारे सप्प जहरीले नहीं होंदे। इस संबंधी रेस्क्यू टीम दे जो गुरविंदर शर्मा ने उन्होंने दस्सिया कि सारे सप्प जहरीले नहीं होंदे, इसलिए सानूं डरन दी जरूरत नहीं है। ये बठिंडा दे मतीदास नगर विखे एक घर के अंदर रसोई दे विच बैठा सी जिथों इसनों रेस्क्यू टीम ने काबू किया। तुसीं देख रहे हो काफ़ी लंबा सप्प है जिसनों रेस्क्यू टीम वालों काबू किया गया। तो इन्हां दा कहना है कि झाड़ फूक वालों के कोल जाने की बजाय सानूं डॉक्टर कोल जाना चाहिए तां जो तुहाडा समय सिर इलाज हो जाए, क्योंकि सारे सप्प जहरीले नहीं होंदे, इसलिए ज़्यादा डरन की जरूरत नहीं। ज़्यादा लोग डरते कारण ही मर जाते हैं, डरन की जरूरत नहीं, तुहानू डॉक्टर कोल जाण की जरूरत है। इसलिए सारे सप्पां दे डरदे बजाए तुसीं झाड़ फूक वाले कोल जाण की बजाए तुसीं डॉक्टर कोल जाओ तां जो तुहाडा समय सिर इलाज हो जाए। तो देख रहे हो तुसीं एक काफ़ी लंबा सप्प है जो एक घर के अंदर रसोई के अंदर चला गया सी, ते उत्थों रसोई के अंदरों रेस्क्यू टीम वालों काबू किया गया। तो देख रहे हो तस्वीर, यह बठिंडा के मतीदास नगर दी तस्वीर ने जिथों रेस्क्यू टीम वालों इस सप्प नूं काफ़ी लंबे सप्प नूं रसोई के अंदरों काबू किया गया। तो इस काबू करके जंगलों के इन्हां वालों छड़ दिता जाएगा। यह रेस्क्यू टीम के गुरविंदर शर्मा ने जिस दे वालों अज तक हज़ारों की गिनती सप्प इन्हां वालों फड़े गए हैं। तो तुसीं देख रहे हो तस्वीर कि इस सप्प नूं इन्हां वालों फड़ के काबू किया गया। तो हुण इस नूं जंगल के अंदर इन्हों वालों छड़ दिता जाएगा। तो देख रहे हो तस्वीर बठिंडा के मतीदास नगर दी तस्वीर ने जिथे काफ़ी लंबा सप्प अज एक रसोई के अंदर आ चुका सी, जिथों रेस्क्यू टीम वालों काबू किया गया। तो देख रहे हो इन वालों एक थैली के पाया जा रहा है सप्प नूं, तो उस तो बाद इस दूर ले जाके जंगल के इसनों छड़ दिता जाएगा। ये वीर जी इंडियन रैड स्नेक है धामन, इनू घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता हिंदी च। तो यह लेंथ दे विच बहुत ज़्यादा होंदा, काफ़ी लेंथ यदि 7 फुट 8 फुट तक यदि लेंथ हो जाती है, पर यह बिना जहर वाला नॉन वेनमस स्नेक होंदा। आम करके जिहड़ा हैगा फसलों के खेतों के ज़्यादा पाया जाता क्योंकि ये तकरीबन 1 साल 600 के करीब चूहे खा जाता, तो फसली मित्र है, किसानों का मित्र यह जीव है, स्पैशली यह प्रजाति इंडियन रैड स्नेक। तो पर फिर भी लोग डरते हैं, डरते करके इन मार देंगे। देखो जी कटदा तो हर जानवर का सुभाव है, कीड़े नूं छेड़ लाँगे कीड़ा भी कटूगा, तो पर इहदा जहरीला नहीं, इहदे नाल कोई मौत नहीं हुंदी, कोई नुकसान नहीं हुंदा। अपनी संस्था हैगी जी सहयोग वैलफेयर क्लब बठिंडा, इस काम दे विच तकरीबन 12-13 साल हो गए, तो 5-6 हज़ार के करीब सप्प जिहड़े उह रेस्क्यू कर चुके हैं, जंगल छड़ चुके हैं खुली वादी दे विच, ते सेवा लगातार इदां दी जीव जंतुआं दी। हाँ बिल्कुल कट्टिया बहुत बारी है, तो वह इलाज हैगा, डॉक्टरी इलाज कराने, इंजैक्शन वगैरह लगाई दे। बिल्कुल जी मैं रेस्क्यू कर रहा तो अलमारी सी जो खिंचन लग्या अलमारी के कोई मेखा वगैरह जो सी वो मेरे लग गई, काफ़ी ज़्यादा सट बजी है। नरेश जी वे भी देखो जो भी तुहाडे सप्प लड़दा है तो पहला तो पहचान करो कि सप्प केड़ा जहर वाला कि बिना जहर वाला, हर बंदे नूं पहचान नहीं हैगी, इन्हां बारे स्टडी करन दी लोड़ है। फिर भी जिहदे घर सप्प लड़दा घबराउणा नहीं, भज्जना नहीं, तेज़ नहीं भज्जना, नैगटिविटी नहीं फैलाउणी उत्थे, इह नहीं हैगा कि लोग इह कहण लग जाण तुहाडे आले दुआले भीड़ इकट्ठी होगी कि सप्प लड़ गया तू तां मर जाएगा, उहदे नाल भी बंदे दी जिहड़ा हैगा धड़कन तेज़ हो जाती है, जहर छेती फैलदा। बिना जहर वाला तो होया तो भी बंदा घबरा के हार्ट फेल होकर बंदा दे चांसिस होंदे आ अटैक आने के, मरन के, तो बंदे नूं जल्दी तो जल्दी जिहड़ा हैगा वो गड्डी च पा के किसी साधन के राही वड्डे हस्पताल सिविल हस्पताल जां मैडिकल कॉलेज उत्थे लै जाओ, उत्थे उहदे लैबोरेटरी टैसट होणगे तो उहदे इंजैक्शन लग जाणगे। जिहड़ा झाड़ फूक वाला काम है जी, पहला तो वो पिंडां मल भजदे आ, उत्थे बाबा मिलिया कि नहीं मिलिया, इन्नी देर च जहर चढ़ जाती है तो बंदा मर जाता। जेकर वो प्रचार भी करते हैं कि असीं बंदा बचा लैणे आ सप्प लड़ेदा, तो वो इदां दे सप्प हुंदे आ जिवें मैं तुहानूं फड़ के दिखाया, इदा के कोई बिना जहर वाला सप्प उसदे ते किसी ने थौला पाता कोई दवाई लाती कहणगे तू ठीक हो गया, लोगों को तो ऐ हुंदा भी मेरे सप्प लड़ा सी मैं ठीक हो गया, पर उन्होंने ए नहीं पता